मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे, तो आप इस तरह अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं हुआ। अगर सबमिट हो गया है तो पेमेंट आया कि नहीं आया, वो सारा चीज़ आपको विस्तार से अपना स्टेटस चेक करना हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैंने आपकी काम की बहुत सारे वीडियो मैंने पहले से आपके लिए बना दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा, जिसान मॉनिटर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और आपको ये लोगो मिल जाएगा। ये वाला चैनल पे आपको बहुत सारी आपकी काम की मैंने वीडियो से पहले से बना दिया हूँ। तो चलिए आप मेन मुद्दे पे आते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कराया है, लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को जैसे आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन वो सबमिट हुआ या ना हुआ, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ पे आपको सर्च वाइज किस चीज़ से सर्च करना चाहते हैं, आप आधार नंबर से अपना बैंक अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं आधार नंबर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक कर देता हूँ। सर्च बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पूरा यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा वो आ जाएगा, कॉलेज का नाम, स्टूडेंट का नाम, जनरल, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह अभी नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पे जो इसका स्टेटस, यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट डाउन में, पेमेंट यहाँ पे यस यानी कि पेमेंट हो चुका है, और बट ऑफलाइन, यहाँ जो इसका जो आवेदन है ऑफलाइन अप्लाई किया गया था कॉलेज से, लेकिन इसका पेमेंट जो है पेमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो क्या आपको दिखाएगा, यहाँ पे स्टेटस आपको दिखा देगा, देखिए मेरा पेमेंट डाउन हो चुका है यानी आ चुका है हमारे अकाउंट में, यहाँ पे यस दिखा रहा है, रुपया आ चुका है, और ये जो हुआ था बट ऑफलाइन, मतलब ये जो एप्लीकेशन अप्लाई किया गया था ये ऑफलाइन किया गया था। अगर आप ऑनलाइन भी आवेदन किए हैं तो फिर भी आप इस तरह चेक कर पाएंगे। अगर आपका नहीं है, मतलब आपका नहीं आया, तो यहाँ पे स्टेटस आपको दिखा देगा किस कारण से स्टेटस नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको पूरी चीज़ यहाँ पे विस्तार से दिखा देगा। तो चलिए अब बात करते हैं किस कॉलेज से कितने स्टूडेंट अप्लाई किया था, वो आपको बता देते किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने कितने अप्लाई किया, तो वो भी आप जान सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पे इसी वेबसाइट पर आना, यहाँ पे एक मिल रहा है आपको अप्लीकेशन काउंट, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जान सकते किस कॉलेज में कितना आवेदन किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी बिहार के सारे यूनिवर्सिटी आ जाएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी आपका उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी के नाम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज आ जाएगा, कॉलेज के टाइप भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी कॉलेज है आपका उस पर क्लिक करें, मान लीजिए एक नंबर वाले, तो एक नंबर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितना एप्लीकेशन उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जान सकते कौन अप्लाई किया था, उसका नाम वगैरह सारा, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, यहाँ पे आधार नंबर का भी अंतिम का तीन अक्षर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जी यहाँ भी जो नाम शो हो रहा है, मतलब इसका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसी तरह चेक कर पाएंगे किस कॉलेज में कौन सा अप्लाई किया है, कौन कौन अप्लाई किया है, उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, वह सर ऐसे आप यहाँ से जान सकते हैं। इसी तरह आपने अप्लाई किया तो उसका स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। तो आपने चेक करना सीखिए किस तरह आपका एप्लीकेशन क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ या ना हुआ, तो कैसे कर पाएंगे, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। अगर हो गया है तो वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे स्टेटस पे दिखा देगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।